और भाई लोग कैसे हो आप सर? तो बहुत दिनों के बाद मिल रहा था तुझे। फिर फाइनली एक चीज़ आपने सुन ली होगी, नहीं सुनी तो मैं बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ। एक्चुअली आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं नहीं पढ़ता हूँ, रोज़ पहले ही बता रहा हूँ, तो मैं सोचना मैं रोज़ टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ नहीं, जिसमें नीट से रिलेटेड खबर थी तो इसलिए नोटिफिकेशन में आ गई। सो टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ना एक्चुअली एक ही चीज़ पर बार बार वीडियो बनाती है इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। एक्सपेक्टेड डेट आई है नी 2022 की, 2022 हाँ सॉरी, एक्चुअली मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो मैं अभी एकदम खुले सांड की तरह मजाक कर रहा था। सो नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है और ये कह रहे हैं कि या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के पहले मतलब करने वाले, ठीक है। अब ऐसी बात तो है नहीं कि भाई साहब इन्होंने कह दिया सत्य हो गया, एक्चुअली होता क्या पहले भी बहुत बार हो चुका है ना, बहुत सारे न्यूज़पेपर कुछ कहते हैं अपन कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और लास्ट में एनएमसी आके अपना कर देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फिक्स है ना, बस हाँ पर आप अंदाज़ा देखो लेके चल सकते हो कि आपके पास एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम से कि लगभग 100 से तो ज़्यादा दिन है ही है, ठीक है, लगभग आपके पास 130 दिन मैक्सिमम मान लो। सो अभी मिनिमम आप 100 दिन का, अभी जिस भी हिसाब से आप स्टडी कर रहे हो आपका प्लान होना चाहिए मिनिमम 100 दिन का, ठीक है, तब तक आप पूरी तरह प्रिपेयर हो जाओ। उसके बाद जो भी आपके पास 10-12 दिन बचते हैं जब भी डेट आती है और पोस्टपोन हो जाता है तो आपके पास और भी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम रहता है, लेकिन 100 दिन आप मान के चलो कि आप पूरी तरह से एकदम फाइनली नीट प्रिपेयर हो जाओ कि भाई साहब अब तो जाके अपन हो फोड़ना है, ठीक है। और एंड वेल आई नो कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, जो लास्ट वाला टाइम पीरियड होता है ना, लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और यही आपका स्कोर मेकिंग टाइम पीरियड होता है। इवन मैं अपनी बात करूँ तो मेरा मैं नहीं कह सकता कि मैं शुरुआत में क्या था, मेरी 12th के एग्ज़ाम्स हुई थी, मैं ये अभी तो 2-3 महीने के बाद आप बात कर रहे हैं, मेरी 12th के एग्ज़ाम्स हुई थी मार्च में और फिर मेरे पास एटलीस्ट शायद 1.5 या 2 महीना था, मई में एग्ज़ाम होनी थी। तो हाँ मेरी हालत ख़राब थी बट फिर भी लास्ट के टाइम पे जो मैंने किया, तो देखो अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि यार अब भी कोशिश करें तो हो जाएगा क्या, क्योंकि अभी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं और हो जाएगा क्या। वैसा पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि अगर टेस्ट्स में आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो सबसे बेस्ट जो टाइम पीरियड है अगर आपके बढ़ेंगे है ना वो ये टाइम पीरियड है। यहाँ पे मैं टेस्ट की बात अगर एक्सक्लूड भी कर दूँ तो नीट में आपके जो मार्क्स सडनली जो पीक आती है तो वो ये टाइम पीरियड है। आप इस टाइम पीरियड में जितने एफर्ट्स डालोगे उतना ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको अपने नीट के मार्क्स में देखने को मिलेगी। पर इसी के साथ साथ आपको ये चीज़ भी देखो भाई सब दिमाग में रखनी है कि आप अकेले नहीं हो, है ना, आपको 50-15 लाख बच्चे और ऐसे लोग हैं भाई 10-10 घंटे दिन के दे रहे हैं, रोज़ दे रहे हैं, 12-12 घंटे भी देते हैं, लास्ट टाइम पे हमने भी सब कुछ छोड़ दिया था एकदम, है ना। तो आपको अब आपके मार्क्स कम आ रहे हैं उनके आपसे ज़्यादा नहीं, वो भी तो पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, है ना। तो ये जो गैप है पहले तो इसको ख़त्म करना है ना, उसके बाद आपको जंप मारनी है, तो इसके लिए ऑब्वियसली एफर्ट्स तो बहुत लगेंगे, है ना। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम पीरियड है, जो लोग भी ऐसा कि आपके अंदर है दिल की आज भाई साहब मेडिकल कॉलेज में आना है, मेरे को नीट क्रैक करनी है, नीट फोड़नी है ना, डॉक्टर बन के ही निकलना है, तो अभी एक चीज़ है बस इम्पॉर्टेंट, वो है कि प्रायोरिटाइज करो, आप हर चीज़ को सबको भूल जाओ, है ना। लास्ट टाइम की तो नहीं कह सकता, मेरे लिए तो पूरे 2 साल का टाइम पीरियड है ना, एक ही चीज़ थी मेरे दिमाग में, मेरे को कुछ और पता भी नहीं था बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है। बट अभी आप एटलीस्ट जो भी आपके पास टाइम पीरियड है उसमें देखो रेस आपको पता है बहुत ज़्यादा तगड़ी हो गई है ना, और ऐसा कुछ नहीं है, देखो एक्स्ट्रा आपको कुछ एकदम से तो नहीं करना है ना, मेन चीज़ आपका फोकस एनसीईआरटी पे होगा, बायो में आप एनसीईआरटी कर लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पूछते पहले की तरह, है ना, आपसे बस हो सकता है घुमा फिरा के पूछे तो आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। बट ये है कि आप एनसीईआरटी अपन कर लेते हो, आप ख़त्म कर दो एनसीईआरटी को, पढ़ पढ़ के ख़त्म कर दो, है ना, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। इसके अलावा और कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अब मैं भाई साहब टोटली नल्ला बैठा हूँ, एग्ज़ाम मेरी हो गई, आई होप पास हो जाऊँ, प्रैक्टिकल देख लेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे डेफिनेटली मैं आपका आंसर दूंगा, और जो भी चीज़ आप पूछना चाहो पूछ लेना, मैं एक ही बार रिपीट कर रहा हूँ क्या,
हाँ कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो क्या है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा है ना, उसको ग्रे कर दो, वैसा मज़े आ जाएंगे सच में, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। कर देना कर देना, थोड़ा सा कर देना, ज़्यादा नहीं, मतलब एक बार क्लिक कर देना, ग्रे हो जाएगा, मस्त मज़े आ जाएंगे। और तो भाई साहब ये है कि बस प्रिपरेशन में जुट जाओ भयंकर वाली, सच बता रहे हैं ना, क्योंकि कट ऑफ का तो आप हर साल देख रहे हो, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरी हाई इतनी ज़्यादा, तो आपको भी स्कोर करना है ना। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते रहेंगे हम, और फोड़ देना।